और चलिए अब आपको लिए चलते हैं एक और महोत्सव में। जी हाँ, आदि महोत्सव शुरू हो रहा है, आगाज हो रहा है उसका। चलिए ले चलते हैं आपको, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं आदि महोत्सव का। रांची के मोरहाबादी मैदान में इसका आयोजन किया गया है और कैसी तस्वीरें वहां से आ रही हैं, ले चलते हैं आपको वहां पर। बाजारों को अच्छे ढंग से मिले उसके लिए हम बाजार कैसे निर्माण करें। आपको एक महत्वपूर्ण बात वहां का मैं बताना चाहता हूं कि वो बिल्कुल सीमा में पाकिस्तान के, चाइना के सीमा में रहते हैं और जब भी तनावपूर्ण स्थिति होती है तो सबसे पहले वो उसके शिकार होते हैं या वो वहां पर अपने अद्भुत देश प्रेम का मिसाल देते हैं और वहां से वो हटते नहीं है। पहला लड़ाकू के रूप में वो वहां पर डटे रहते हैं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, जब कारगिल में एक समय ऐसा आया जब तनावपूर्ण माहौल और का किस तरह की स्थिति हुई, कारगिल में कितने लोग शहीद भी हुए और हमने जोरदार तरीके से मुकाबला किया, हमला भी किया, पर इन सारे चीजों के बारे में पूरी जानकारी जो हमारे वहां के आदिवासी हैं, उन लोगों ने सारे प्रशासनिक लोगों को सही समय पर सूचना दी कि इस तरह की गतिविधियां बॉर्डर में चल रही है और सबसे पहले उनके घरों में गोला पहुंचती है। लेकिन इसके बावजूद उस गोला से लड़ने के लिए अड़े रहते हैं और कहते हैं कि हम हिंदुस्तान के राष्ट्रभक्त नागरिक हैं और इसलिए हम ये जगह छोड़ने वाले नहीं। तो ये जो पश्मीना शॉल आप देखते हैं, ये पश्मीना शॉल उनके जो अभी तक शॉल के बारे में, ऊल के बारे में ऐसा लोगों का चिंता रहता है कि ऊल जो होता है वो भेड़ से होता है, पर ये पश्मीना शॉल बकरे से होता है। इसका जो थ्रेड बनता है वो बकरे से होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो बकरे हैं वहां पर एक प्रकार का घास उगता है, वो घास खाने से उसके शरीर में वो ऊल उगता है। वो घास होना जरूरी है जो वैली है, वैली के अंदर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम सब ने इस नई सरकार में इस आदि महोत्सव का शुरुआत उसी कश्मीर के अलग हुए जो लेह लद्दाख कारगिल है वहां से हम लोग आदि महोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया और धारा 370 हटने के बाद पहला मंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा वहां पर पहुंचा अपने सारे पदाधिकारियों के साथ। हमारे चेयरमैन ट्राइफेड रमेश चंद्र मीणा जी, प्रवीण कृष्णा जी, बल्कि हमारे नवलजीत कपूर जी यहाँ पर हैं। पश्मीना के जो बकरे पालक हैं उनके लिए हम लोगों ने वहां स्पेशल स्कीम प्रारंभ किया कि बकरे जो वहां, जैसे हम तो यहाँ पर कई बार कहते हैं ना जीरो डिग्री में आ गए, वहां -35 तक जाता है। -35 में उस बकरे का सर्वाइवल कैसे हो ताकि कम से कम मृत्यु हो, इसके लिए ट्राइबल मिनिस्ट्री ने प्रोजेक्ट अप्रूवल किया और उसके उत्पादन को हम कैसे बढ़ाएं